आपका नाम बोलते हुए बता रहा भाई, ये बोल रहा हूँ मैं भाई, अपना नाम बताओ भाई। मैं सुमन नाम है जी। आप बताइए कि आप मेरठ कॉलेज में महामंत्री बने हैं, थोड़ा इधर सब तो आपको समाज से क्या शिकायत है? शिकायत तो मुझे किसी से नहीं आई, लेकिन शिकायत थोड़ी सोच की है। अगर हम आपस में एक दूसरे के लिए ईद सोचें या एक दूसरे की टांग ना खींचे तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाएं। हमारी बिरादरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ उसे आगे बढ़ाने के लिए। हमें प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। सिर्फ अगर हम हमारे युवा हमारे बुजुर्ग उस प्रतिभा को ढूंढ गए अगर उसे आगे उसे प्रोत्साहित करेंगे तो शायद उपाध्याय समाज के लोग जोगी समाज के लोग शायद ही परचम ले रहे हैं देश में और हमेशा एकजुट होकर रहें और साथ में काम करें। इससे बेहतरीन बात और कोई हो नहीं सकती उपाध्याय समाज के लिए। आज के हिसाब से आज युवा जो भी सबसे क्यों नफरत करते हैं, क्या उन्हें सही इतिहास की जानकारी नहीं दी गई? क्यों जो भी सबसे नफरत करते हैं? ऐसा क्यों? इसके लिए हम लोगों ने युवाओं को अपनी सभ्यता संस्कृति देने का बीड़ा उठाया और उसी पे हम लोग काम करते हैं। जब तक हम दूसरे कंधे पर दूर करके चलते रहेंगे तो चाहे जोगी हो चाहे जाट हो चाहे ठाकुर हो तो उसे गली मिलती रहेगी। बिल्कुल सही। जब तक हम आत्मसम्मान नहीं होने गए, आत्मसम्मानित नहीं होने गए, अपने अपने बलबूते पर चलने गए नहीं, तब तक हम दूसरे गाली खाएंगे। इससे कोई जाति पात्री का कोई मामला नहीं होता, लेकिन खुद पे हमें विश्वास करके अपने आप को मजबूत बनाकर जहाँ भी चलेंगे चाहे वो अकेला हो चाहे 1000 की भीड़ में हो वो अलग ही उसे सम्मान मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि हमें जो कि कहेगा कोई धुतकार रहा या कोई ऐसा भद्र शब्द का यूज कर रहा, सिर्फ अपने आप को दिखाओ हाँ मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा शुभम जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी पूर्व छात्र रहा हूँ मेरठ कॉलेज में। इतना आसान नहीं है जो आपने लक्ष्य पाया है, वो इतना आसान नहीं है, उसको मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ा हूँ और काफ़ी साल मैंने लगाए हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाज का नाम आपने रोशन करा और लेकिन एक समस्या थी कि मैं आप शुभम उपाध्याय के नाम से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से हमारी लोकल बॉडी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, कुछ लड़कों को मेरे पास भी आए, लेकिन मुझे आपके बारे में बताया, मुझे लगा आप ब्राह्मण हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं अपने पड़ोस के जो छात्र राजनीति कर रहे हैं पुराने लोग, मैं उनसे समर्थन दिला सकता था आपको, लेकिन मैं आपको समर्थन नहीं दिला पाया, इसलिए जाति का वजूद इतना नहीं है कि वहाँ पे जाए कोई ब्राह्मण। मैं खुद पढ़ा हूँ, वहाँ का इस तरह का माहौल नहीं था जब मैं जिस समय पढ़ा था। मैं आप कहाँ रह रहे आप? मैं दोराले से। तो साथ ही आप यहाँ कहा भी, आपका बेटे भी तो दो पढ़ रहे हैं ना? मैं तो अब मतलब शादी हुई, छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं शुभम जी बात शुभम जी होता क्या है, मैं आपको जो बात बता जवाब हमें लगा भैया ने बताया, जब तक हम अपने नाम के साथ योगी जोगी नाथ इन तीनों में नहीं लगेंगे हमें नहीं पता लगता कि अपना जो हमारे रूट्स हैं, जब तक हम उनको लेकर पता नहीं होगा तो हम तुम्हारे हम महेंद्र भैया सही कही बात। 2003 में मैं भी मेरठ कॉलेज में पढ़ रहा था, थोड़ा भैया का मैं भी मेरठ कॉलेज में पढ़ा था, नाम प्रशांत उपाध्याय जानते हैं, मैं भी मेरठ कॉलेज में पढ़ा था। जो अभी सुनने वहाँ पर कहा वो बात सही है, जो पढ़ता है अभी कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे वहाँ पर, वो लोग गए नहीं क्योंकि वहाँ सारा जो होल्ड है वो दूसरे हाँ। तो मैंने भाई का मैं आगे बैठा था, मैंने भाई का समर्थन करा, ये बात सही है और आप बोल लो तो बहुत हिम्मत की काम है, हर कोई किसी के गढ़ में जाके ऐसे निकल के नहीं आ सकता। नहीं उपाध्याय ने करा वहाँ पे चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल से अजीत सिंह चुनाव का प्रचार करने आए थे जिस साल मैं पढ़ा था। आप बताइए यहाँ से तो संस्था के पदाधिकारी तक नहीं गए इनके पास, इतना आसान काम नहीं है। हमारी जो हमारे समाज का उस टाइम जिस टाइम शुभम ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था छात्र नेता का, तो उस टाइम हमारे समाज का कोई भी संगठन वहाँ शुभम की सपोर्ट में तो पहुँचा नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी आते हैं सपा से, बड़े बड़े नेता आते हैं, केंद्रीय मंत्री तक आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, ये इतना आसान काम नहीं है। जितनी बड़ी जंग जीती है, मैं तो इसे सांसद के चुनाव मानता हूँ जो इन्होंने जीता है। भाई निर्दलीय थे, कम से कम हमारे समाज की सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए थी, क्यों कोई नहीं आया था।